और संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में क्योंझर सदर के माननीय विधायक श्री मोहन चरण जी नमस्कार, प्रणाम, जोहार। इन पर आयोजित कार्यक्रम में कदम रखते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र जयंती, जिसे भारत वर्ष के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारत मना रहा, तो वैसे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा को मैं प्रणाम करता हूं। चक्रा बिसोई, दयानिधि धारवा, रतन नायक, धरनीधर नायक, दोरा बिसोई, नवधन करण, माद्री कालो, वर्षगांठ देश के लिए गौरवमय अवसर और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यह सुनहरा मौका है। जनजाति गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा प्रारंभ होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा, वास्तव में या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जनजाति संप्रदायों को सामूहिक उन्नति और विकास में जनजाति समुदाय संप्रदायों को विशेष भूमिका दी है। आज का यही संकल्प यात्रा उस उद्देश्य में से आयोजित किया जा रहा, जिसके द्वारा भारत सरकार की ओर से कार्यकारी होने वाली कई विकास उन्मूल योजनाएं, उसी तरह गरीब कल्याण योजना, अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीब को निशुल्क अन्न देने की घोषणा की, और इस तरह देश में 80 करोड़ लोग को निशुल्क चावल देने का दिया जा रहा है। इसी तरह चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब को, बेघर जो गरीब है उनको घर देने का काम। बिरसा मुंडा धरती आबा इस जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उस पवित्र भूमि से दो योजना, पीएम जनमन योजना और विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च किए हैं देशवासियों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा देश, हमारा सारा देश के जनजाति आदिवासी समाज जो पीएम जन योजना से लाभ लेंगे, और विकसित भारत संकल्प यात्रा के पीछे उद्देश्य 2014 आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, या पहले भी बहुत सारी योजनाएं बनती थी लेकिन वो जमीन पर उतरती थी, 2014 के बाद भारत सरकार की जो भी योजनाएं वो जमीन पर उतर रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, कस्बों में गरीब लोगों को योजना की जानकारी नहीं होने के कारण योजना का लाभ वो नहीं ले पा रहे, और उसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो आईसी वैन जो आज शुरुआत की है, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन, एडुकेशन, कम्युनिकेशन। उस वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की जितनी योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे गरीब को घर हो, चाहे जनधन योजना, सारी योजनाएं की जानकारी
गांव गांव तक गली गली तक पहुंचाने का काम होगा। और उन सबका लक्ष्य है, हम देशवासियों का लक्ष्य है कि योजना जब तक शोषित वंचित गरीब उपेक्षित तक योजना का लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।